फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जो सुनसान रास्ते में चला जा रहा था, तभी अचानक उस पर एक आदमी पीछे से हमला कर देता है और उसे बेहोश करने के बाद अपनी कार की डिग्गी में डाल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम क्रिस वाशिंगटन को देखते हैं जो एक फोटोग्राफर होता है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड रोज होती है। इस कहानी में क्रिस एक ब्लैक होता है और रोज वाइट होती है। इस फिल्म में गोरे और काले का बहुत बड़ा रोल होता है, यह फिल्म के आगे हम देखेंगे। क्रिस और रोज दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रोज चाहती है कि क्रिस उसके परिवार से मिले, लेकिन यह बात क्रिस को हमेशा परेशान करती है क्योंकि क्रिस एक वाइट फैमिली से मिलने की हिचकिचा रहा था और उसे लगता है कि वाइट फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। रोज क्रिस की बातों में समझा जाती है और कहती है, मेरा परिवार काले गोरे में फ़र्क नहीं करते, तुम बेझिझक मेरे परिवार से मिल सकते हो। और अब क्रिस परिवार से मिलने के लिए राजी हो जाता है। क्रिस रोज के परिवार से मिलने जाते वक्त अपने दोस्त रोड के पास फ़ोन करता है और उसे बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड रोज के परिवार से मिलने जा रहा है, उसे आने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक तुम मेरे कुत्ते का ख्याल रखना। तो रोड इस बात के लिए मान जाता है। तभी अचानक इनकी गाड़ी से आकर एक हिरन टकरा जाती है। रोज वहीं पर गाड़ी रोक देती है और थोड़ी देर में वहां पर पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस वाला जानते हुए भी कि ड्राइव रोज कर रही थी, उसके बाद भी वह क्रिस से आईडी मांग रहा था क्योंकि क्रिस एक काला आदमी था। यह सुनकर बात रोज गुस्सा करती है और पुलिस को जाने के लिए कहती है। उसके बाद वे दोनों निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में रोज के घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे हम रोज के माता पिता को देखते हैं। रोज के पिता का नाम डेन आर्कमेटीज जो एक सर्जन है और माता का नाम मिसी आर्कमेटीज जो एक साइक्रेटिस है, और क्रिस को देखकर बहुत खुश होते हैं और हमें लगता है कि उन्हें काले लोगों की कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन रोज के माता पिता की खुशी अजीब लगती है। यहाँ पर डीन रोज के पिता पूरे घर को दिखाते हैं और कुछ तस्वीरें को भी दिखाते हैं। डीन अपने पिता के तस्वीर को दिखाता है और कहता है कि मेरे पिताजी एक धावक थे, 1936 में उन्होंने ओलंपिक के दौड़ में भाग लिया था, लेकिन मेरे पिता कप को नहीं जीत पाए क्योंकि वह इतने बेहतर नहीं थे जितने उन्हें हराने वाला व्यक्ति था और वह काला आदमी था। डीन क्रिस से कहता है कि वरा कुमावा चाहता है कि वह तीसरी बार यहाँ पर राष्ट्रपति बने। और इन सारी बातों से यह सुनने के बाद हमें पता चलता है कि ये परिवार काले लोगों से कितना अलग व्यवहार करती है। क्रिस को यह बातें सुनकर अजीब लगता है। उसके बाद डीन किचन में ले जाता है, वहाँ अपनी नौकर जॉर्जिना से मिलवाता है और जॉर्जिना भी काली होती है। डीन क्रिस को घर के बाहर ले जाता है और बोल्टर से मिलवाता है जो काला होता है। डीन क्रिस से कहता है, दोनों नौकर यहाँ पे तब से हैं जब से उनके माता पिता जीवित थे और दोनों लोग उनका देखभाल करते थे, इसीलिए उनकी मौत के बाद हम उन्हें यहीं पर रख लिए हैं। लेकिन यह दोनों नौकर क्रिस को बहुत अजीब लगते हैं क्योंकि दोनों नौकर क्रिस को बड़ी अजीब तरह से देखते थे। जब सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं तो बातों बातों में डीन को पता चलता है कि क्रिस को सिगरेट पीने की आदत है और कहता है कि मुझे भी इसकी लत थी, लेकिन मिसी ने हेप्नोटाइटिस करके मेरे सिगरेट को पीने की लत छुड़ा दी। अगर तुम चाहते हो तो यह तुम्हारी भी लत छुड़ा देगी। फिल्म के आगे हम देखते हैं सभी लोग जब डिनर कर रहे होते हैं, वहाँ पर रोज का भाई आ जाता है जिसका नाम जेरमी आर्मटेक होता है। जेरमी अजीब गरीब बातें करता है और क्रिस को लड़ने के लिए उसकाता है। यह बातें सुनकर रोज के पूरे परिवार को बहुत ही बुरा फील होता है, इसलिए रोज कुछ समय बाद अपने भाई के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। उधर रात के समय क्रिस को नींद नहीं आती है और बाहर सिगरेट पीने के लिए निकल पड़ता है। तभी वहाँ बोल्टर को देखता है जो बहुत तेज से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है, और वहाँ जैसे ही क्रिस के पास जाता है वह अपना रास्ता बदल लेता है। तभी क्रिस की नज़र जॉर्जिना पर पड़ता है और देखता है अपने आप को जॉर्जिना शीशे में देख रही होती है। क्रिस यह सब देख करके कुछ समझ नहीं पा रहा था यहाँ पर सब हो क्या रहा है। क्रिस अंदर जाते वक्त मिसी उसे अपने पास बुलाती है और बैठने को कहती है। क्रिस को बैठने के बाद उसके परिवार के बारे में पूछती है
और क्रिस बताता है कि जब वो छोटा था तभी उसकी माँ कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। इन्हीं बातों बातों के दौरान मिसी एक चम्मच को अपने कप में बजाती है और अचानक क्रिस को लगता है कि वो एक अंधेरी दुनिया में चला जा रहा है। वो मिसी की सारी बातों को सुन पा रहा है लेकिन वो किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं दे पा रहा था और उसकी बॉडी पूरी तरह से अनियंत्रण हो चुकी है क्योंकि मिसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब क्रिस की आँख खुलती है तो अपने बेड पे होता है और उसे लगता है कि वो अब तक सपना देख रहा था। जब वह घर के बाहर निकलता है तो वह वॉल्टर के पास जाता है। वॉल्टर क्रिस से रात के लिए सॉरी बोलता है। उसका बोलने का तरीका एक बूढ़े आदमी जैसा था लेकिन वह पूरी तरह से जवान था। उसके बाद क्रिस रोज से कहता है कि मुझे लगता है कि रात में तुम्हारी माँ ने मुझे हिप्नोटाइज किया था क्योंकि अब मैं सिगरेट नहीं पी पा रहा हूँ क्योंकि सिगरेट के बारे में सोचते ही मुझे उल्टी आ रही है। तभी कुछ देर बाद घर में पार्टी होती है और उस पार्टी में ज़्यादातर लोग गोरे होते हैं और सारे के सारे लोग बूढ़े होते हैं। वे सारे लोग क्रिस को अजीब तरह से पेश आते हैं, कभी क्रिस के शरीर को छूते हैं और कभी उसकी पर्सनालिटी को देखते हैं और उससे खेल के बारे में पूछते हैं ताकि जान सके क्रिस कितना ताकतवर है। और सारे लोग की निगाहें क्रिस पर होती हैं जो देखने में अजीब लगता है। तभी क्रिस की नज़र एक काले आदमी पर पड़ता है जो फिल्म के स्टार्ट में अगवा कर लिया गया था। वह आदमी पूरी तरह से बदला नज़र आ रहा था। इसका नाम लोगन किंग होता है जो अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ था लेकिन लोगन पूरी तरह से जवान दिखाई दे रहा था और बूढ़े आदमी जैसे रवैया था। इसी बीच में क्रिस की मुलाकात एक अंधे फोटोग्राफी से होता है जिसका नाम जिम हॉटसन होता है। जिम बताता है कि वह पहले फोटोग्राफी करता था लेकिन अंधे होने के कारण फोटोग्राफी छोड़ देता है और खुद अपनी गैलरी खोल लेता है जिसका नाम हॉटसन गैलरी है। जिम उससे बहुत देरी तक बातें करता है। कुछ देर बाद क्रिस अपने कमरे में जा रहा होता है तभी सभी लोग शांत होकर ऊपर की तरफ देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो सब क्रिस से बातें करने का दिखावा कर रहे हैं। क्रिस जैसे ही कमरे में पहुंचता है कि उसका मोबाइल का चार्जिंग केबल को निकाल दिया गया है और उसकी मोबाइल की बैटरी डेड होने वाली है, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रोज से कहता है कि जॉर्जिना ने मेरा फ़ोन चार्जिंग से निकाला है क्योंकि वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वह मुझे अजीब तरह से बार बार देखती है। उसके बाद क्रिस बहुत परेशान हो जाता है और अपने दोस्त रॉड के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि यहाँ पे कुछ अजीब और गरीब हो रही हैं और उसे बताता है कि रोज की माँ ने उसे हिप्नोटाइज किया है। रॉड कहता है कि वहाँ से तुरंत निकल, तभी वहाँ पर जॉर्जिना आ जाती है और क्रिस से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है उससे गलती से मोबाइल का चार्जिंग केबल निकल गया है। क्रिस कहता है कि कोई बात नहीं। वह बताता है कि गोरे लोगों के बीच आकर थोड़ा परेशान हो जाता है। यह बात सुनकर ही जॉर्जिना के आंखों में आंसू आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जॉर्जिना कुछ कहना चाहती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है और मुस्कुरा कर रह जाती है। तभी क्रिस घर के बाहर निकल रहा होता है और बाहर के लोग क्रिस के काले लोगों के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं और इस सवाल के सुनते ही क्रिस लोगन को इस बात का जवाब देने को कहता है। लोगन जवाब दे ही रहा था तभी क्रिस मोबाइल से फ़ोटो खींचने की कोशिश करता है। जैसे ही मोबाइल का फ्लैश जलता है वैसे ही लोगन के नाक से खून आने लगता है और अचानक क्रिस की तरफ हमला कर देता है और उसे चले जाने को कहता है, लेकिन सारे लोग लोगन को पकड़ लेते हैं। अब मिसी लोगन को एक कमरे में लेकर जाती है और थोड़ी देर में लोगन ठीक हो जाता है और क्रिस से माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद रोज क्रिस को लेकर दूर चली जाती है। यहाँ पर क्रिस बताता है कि उसने ऐसा लगता है कि उसने लोगन को कहीं देखा है और शायद वह लोगन को जानता है। तभी उसी वक्त डीन को देखते हैं जहाँ क्रिस की बड़ी तस्वीर लगा रखी है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि लोग क्रिस पर गोली लगा रहे हैं। जिम हॉटसन यानी कि वो अंधा फोटोग्राफर इस गोली को जीत जाता है। रात में क्रिस लोगन की तस्वीर भेजता है रॉड को और कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। तभी रॉड बताता है कि इसका नाम एंड्रे हेवर्थ है
और उसी वक्त क्रिस को याद आ जाता है यह कई दिनों से लापता है। लेकिन क्रिस को यह बात समझ में नहीं आती है कि वह अपने आप को लोगन किंग क्यों बता रहा है और 30 से 35 साल बड़ी औरत को अपनी पत्नी क्यों बता रहा है। इसलिए क्रिस यहाँ पर बहुत डर जाता है और वो रोज को बुलाकर कहता है, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है। तभी रोज भी जाकर पैकिंग करने लगती है। उसी वक्त क्रिस एक अलमारी को देखता है और उसके अंदर एक बॉक्स दिखाई देता है। उसमें बहुत सारी तस्वीरें होती हैं और ये सारी तस्वीरें रोज की होती हैं, जो हर एक तस्वीरों में अलग अलग काले आदमियों के साथ होती हैं और इन तस्वीरों में वॉल्टर और जॉर्जिना की भी होती हैं। फ़ोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रोज के साथ कभी रिलेशनशिप में थी, लेकिन रोज के पिता ने बताया कि दोनों यहाँ के नौकर हैं, वो भी काफ़ी वक्त से। यह सोचकर क्रिस की धड़कने और भी बढ़ने लगी और भागता हुआ छत के नीचे आता है और देखता है कि डीन और मिसी उसका रास्ता रोके हुए हैं। तभी वहाँ रोज आती है और क्रिस उससे बार बार चाबी मांगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद चाबी निकालती है। लेकिन वो क्रिस से कहती है कि तुम जानते हो कि मैं यह चाबी तुम्हें नहीं दूंगी, और अब क्रिस यहाँ भागने वाला होता है। तभी क्रिस जेरमी से हाथापाई होने लगता है। तभी मिसी फिर से अपने चम्मच और कप की 3 बार बजाती है और क्रिस हैप्नोटाइज होकर नीचे गिर पड़ता है। और यह पर हम देखते हैं क्रिस फिर से अंधेरी दुनिया में जाने लगता है। उधर रॉड क्रिस को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन क्रिस का फ़ोन नहीं लगता है। तब वो अपने सीनियर को भी यह सब बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रॉड की बात पर विश्वास नहीं करता है। उसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो अपने आप को अलग कमरे में पाता है, जहाँ पे उसे बेल्ट से बांध दिया जाता है और उसके सामने एक टीवी होती है जहाँ पर एक वीडियो चल रही होती है। उस वीडियो में हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं रोमन आर्मिटेज, यानी कि डीन आर्मिटेज के पिता। और अब यहाँ पे हम सारी बातें समझ में आ जाती हैं। रोमन आर्मिटेज एक न्यूरोसर्जन हुआ करते थे और उन्होंने बहुत वर्षों से मेहनत के बाद एक नया खोज की। उस खोज की मदद से ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जा सकता था, यानी कि शरीर किसी और का, ब्रेन किसी और का। जब ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जाएगा तब उस इंसान के शरीर पे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन उसका दिमाग अपने आप बदल जाएगा और दिमाग के बदले ही वो एक अलग इंसान हो जाएगा। दिमाग जिस व्यक्ति का रहेगा उसकी सारी यादें उसके पास रहेंगी और पहचान भी उसकी ही है और पूरे शरीर पर उसका नियंत्रण है। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद भी पुराने इंसान वाले की कुछ झलकियां दिखाई देंगी, क्योंकि ये लोग पूरी दिमाग को नहीं निकालते, वे ब्रेन के कुछ हिस्से को ही निकाल पाते हैं जिसमें शरीर का पूरा नियंत्रण हो। पुराने वाला व्यक्ति भी दिमाग के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन वो अंधेरी दुनिया में रहता है, इसलिए वो सारी चीज़ों को देख सकता है, सुन सकता है और महसूस भी कर सकता है, लेकिन वो शरीर का नियंत्रण नहीं कर सकता है। जॉर्जिना का दिमाग डीन की माँ का है और इसलिए जॉर्जिना क्रिस से बार बार कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि वह अंधेरी दुनिया में होती है। इसलिए इसी प्रकार डीन के पिता भी बोल्टर के शरीर में हैं, इसलिए उनका पूरा परिवार एक साथ रहता है। और जिम हॉडसन भी क्रिस के शरीर को चाहता था और उसे नया शरीर मिल जाए और उसकी आंखें भी आ जाएं। कुछ इसी प्रकार एंड्रे हर्सन के साथ भी ऐसा ही किया था। उस बूढ़ी महिला ने अपने बूढ़े पति का दिमाग हेड्रे हेवर्स में डाल दिया था, इसलिए उस पार्टी के दौरान सारे लोगों की नज़र क्रिस पर थी, क्योंकि सारे लोग उस शरीर को खरीदने के लिए सोच रहे थे। और ये सब काले लोगों के शरीर इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि काला शरीर ज़्यादा मजबूत होता है, और सारे लोगों को लगता है यही एक तरीका अमर होने का है। जब भी वे बूढ़े होंगे अपने शरीर को बदल लेंगे और शरीर के बदलते बदलते ये हजारों लाखों सालों तक जीवित रहेंगे। इन सारी बातों को क्रिस टीवी पर देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो जिस सोफे पे बैठा होता है उस सोफे के बगल में रुई निकली रही होती है, और फिर अचानक टीवी पर कप और चम्मच आता है और 3 बार आवाज़ होती है। तभी क्रिस बेहोश हो जाता है। उधर डीन को देखते हैं सर्जन के लिए तैयार होता है और
अब वो जिम के दिमाग को क्रिस के मस्तिष्क में डालने वाला होता है। उधर जर्मी क्रिस को शरीर को लाने के लिए पहुंचता है, तभी अचानक क्रिस जग जाता है और पीछे से हमला कर देता है। क्रिस इसलिए जग पाया क्योंकि सोफे के अंदर रुई होती है जो अपने कानों में डाल लिया था, जिसके कारण वो चम्मच कप की आवाज़ नहीं सुन सका और बेहोश नहीं हुआ, बल्कि वो नाटक किया हुआ था। उसके बाद क्रिस तेज़ी से निकलने लगा, तभी उसके सामने डीन आ जाता है, लेकिन क्रिस डीन को मार देता है और उसे मारने के बाद जैसे ही आगे निकलता है अपने सामने मिसी को पाता है। मिसी क्रिस को देखते ही चम्मच कप को उठाने की कोशिश करती है, तभी क्रिस उस पर हमला कर मार डालता है। तभी जर्मी क्रिस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार क्रिस उसे मार डालता है। उधर रोज अपने लैपटॉप पर नए शिकार काले लोगों के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी क्रिस के बाहर निकलकर गाड़ी से भाग रहा था, तभी उसके सामने जॉर्जी आ जाती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। क्रिस बाहर निकलकर उसे कार में रखता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जॉर्जिना के दिमाग में किसी और लड़की का कंट्रोल होता है, उसे वहां से ले जाता है। तभी रोज उसे भागते देख लेती है और उसका पीछा करती है। तभी अचानक जॉर्जिना को होश आता है और क्रिस पर हमला कर देती है, जिससे गाड़ी एक पेड़ पर टकरा जाती है। क्रिस बुरी तरह से घायल हो जाता है। उधर पीछे से रोज और बोल्टर आते हैं। बोल्टर क्रिस पर हमला कर देता है, जो रोज के दादाजी होते हैं। तभी क्रिस अपने मोबाइल का फ्लैश जला लेता है, जिससे बोल्टर रुक जाता है और खड़ा हो जाता है। तभी रोज क्रिस को गोली मारने वाली होती है, तभी बोल्टर उसे रोक देता है और वो रोज से बंदूक मांगता है, और जैसे ही बंदूक लेता है वह रोज को गोली मार देता है। उसके बाद अपने आप को भी गोली मार लेता है, क्योंकि फ्लैश के चलते ही बोल्टर का दिमाग रोज के दादाजी पे हावी हो गया था, इसलिए बोल्टर ने अपने आप को गोली मार ली ताकि वह अंधेरी दुनिया से आज़ाद हो सके। उधर रोज की सांसें धीरे धीरे चल रही होती हैं, लेकिन वो भी जल्दी ही मरने वाली होती है। तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है, जो कि उसका दोस्त रॉड होता है। क्रिस गाड़ी में बैठता है और जाने लगता है। उधर रोज को मरने के लिए छोड़ देता है और यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।